एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। धांधली की शिकायत के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। 18 जून को यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी, ठीक एक दिन बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट को रद्द कर दिया है। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी और यूजीसी नेट परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की जाएगी। नए सिरे से अब ये परीक्षा होगी। जल्द ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक तरफ नीट को लेकर घमासान छिड़ा था और अब नेट पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस परीक्षा को क्यों रद्द करना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के अलग अलग शहरों में आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया है। एनटीए ने परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की थी। 19 जून को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से कुछ इनपुट मिले, जिसके बाद इसमें परीक्षा के दौरान गड़बड़ी पाई गई और परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं सीबीआई को सौंपी गई है यूजीसी नेट केस की जांच। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है। गृह मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिला है। साइबर क्राइम यूनिट की रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया है और सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंपा जा रहा है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिला, परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षा में धांधली की शिकायत मिली, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। यूजीसी नेट का पेपर आउट होने की आशंका है, लीक होने की आशंका है। गृह मंत्रालय से इनपुट मिला, साइबर क्राइम यूनिट की रिपोर्ट पर तत्काल एक्शन लिया गया है और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। साथ ही सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है।